ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कलयुग के राजा राहु देव, जो मायावी ग्रह माने जाते हैं, 16 अगस्त 2024 को ये बलवान होने वाले हैं। तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, तो देखिए, 16 अगस्त 2024 को राहु देव शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं और 10 जनवरी 2025 तक ये शनि के नक्षत्र में ही प्रभावी रहेंगे और बलवान भी रहने वाले हैं। राहु देव के इस नक्षत्र बदलाव से जहां सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है, तो वही सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी हम सिंह राशि वाले जातकों को देने जा रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधान भी रहना है। देखिए, राहु के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह माना जाता है और इनको शनिदेव का छाया ग्रह माना जाता है, शनि के जैसा ही ये परिणाम देते हैं। एक राशि में राहु देव 18 महीने तक गोचर करते हैं और हमेशा ये वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलते हुए रहते हैं। आज का जो युग है, आज का जो वातावरण है, पूर्ण रूपेण राहु से प्रभावित युग है। इसलिए कलयुग में राहु का प्रभाव अगर किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को राहु देव रंग से राजा बहुत ही आसानी से बना देते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में राहु देव अगर फेवरेबल पोजीशन में हो, अच्छी अवस्था में विराजित हो, तो जातक को मानसिक ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार का लक्ष्य बनाएगा तो पूर्ण तन्मयता के साथ उस लक्ष्य में संलग्न होकर करियर के मामले में या किसी भी मामले में एफर्ट लगाता हुआ पाया जाता है और उसे सफलता भी जीवन में मिलती है। बलवान राहु के प्रभाव से कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक भी ऐसा व्यक्ति बनता है। वही जन्म कुंडली में राहु देव अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हो, देखिए, ये बुरा परिणाम काफी ज्यादा देते हैं। राहु के खराब होने पर शरीर में खुजली की समस्या, दुर्बलता, पैरों का रोग, चमड़ी से जुड़ी हुई बीमारी और किसी न किसी चीज में व्यसन हो जाती है। दूसरे के प्रति व्यक्ति ईर्ष्या का भाव रखने लगता है और खराब राहु के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता है, यानी बीच में उस काम को ले जाकर छोड़ देना, ये आदत होती है। अगर राहु पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही बातें करता हुआ पाया जाता है, यानी स्वयं से बातें करना, बोल बोल कर बातें करना। और ऐसा व्यक्ति अगर आप देखेंगे कि कहीं पर अगर बैठा हुआ है, आप अपने से ही बात कर रहा है। राहु का अगर पीड़ित प्रभाव होता है तो इसका वैवाहिक जीवन में काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उसमें राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे में राहु की शांति करा लेना, राहु से जुड़ी हुई चीजों का दान करना, राहु को उपाय करके राहु को मजबूत किया जा सकता है और उसके दुष्प्रभावों से निजात भी पाया जा सकता है। तब आइए हम मुख्य टॉपिक की जानकारी आपको देते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। तो यहां पर सिंह राशि वाले जातकों, राहु महाराज 16 अगस्त 2024 को आपके अष्टम घर में यह नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं और शनि के नक्षत्र में जाएंगे, प्रभावी रहेंगे। तो शनि देव वर्तमान में आपके सातवें घर में विराजित हैं, सप्तम घर में ये वक्री अवस्था में विराजित हैं। कुंडली का जो अष्टम घर है उससे ससुराल पक्ष के बारे में, प्रत्यक्ष शत्रुओं के बारे में, आकस्मिक धन लाभ के बारे में,
गूढ़ विद्या या शोध कार्यों के बारे में जानकारी ले जाती है। इस भाव से रुकावट और दुर्घटनाओं का भी विचार किया जाता है और इसी भाव में राहु मौजूद हैं। राहु महाराज की पंचम दृष्टि जो है वो आपके द्वादश घर में जाने वाली है, सप्तम दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर जाने वाली है और इनकी नवम दृष्टि जो है वो आपके फोर्थ हाउस यानी आपके सुख भाव पर जाने वाली है। सबसे पहले यहां पर ये मीन राशि में प्रभावी है राहु, गुरु की राशि में प्रभावी है, तो ऐसे में अचानक लाभ के प्रबल योग सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बनाने वाले हैं। यानी सिंह राशि वाले जातकों जीवन के किसी भी सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं उसमें यदि संभावना अचानक से किसी प्रकार के आगमन या धन के आने की बनती है तो उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। साथ में इस समयावधि में आपके जीवन में देखिए ससुराल पक्ष ऐसे आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है या किसी व्यक्ति को यदि आपने धन दिया हुआ है उसके द्वारा वापस मिलने की संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। राहु देव की जो दृष्टियां हैं दर्शकों आपके राशि के द्वादश घर पर जाने वाली है और वर्तमान में शनि आपके केंद्र में विराजित हैं, ऐसे में राहु देव आपको विदेश से संबंधित कामों में भी शुभता प्रदान करने वाले हैं। सिंह राशि के ऐसे जातक जो विदेश में कोई भी काम संचालित कर रहे हैं या विदेश जाकर कोई काम संचालित कर रहे हैं दोनों जातकों को प्रबल शुभता मिलने वाली है। दोनों प्रकार के जातकों के लिए समय अच्छा है। सिंह राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में राहु जनित क्षेत्रों में कोई काम कर रहे हैं, जैसे इस समयावधि में यदि आप आईटी फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, आईटी फील्ड है आपका, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों में काम करते हैं, बिजली विभाग में काम करते हैं, अनुसंधान रिसर्च के फील्ड में दवाई का या तो निर्माण करते हैं या दवाई बेचने का काम करते हैं, तामसिक पदार्थों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यम मशीनरी और वायुयान को उड़ाने का, हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम करते हैं, ये सब आपके जीवन में अच्छा परिणाम देने वाला है। यहां पर देखिए राहु देव का संबंध द्वादश भाव से बनेगा तो न केवल आपके जीवन में अचानक आगमन दिखाई दे रहा है, अचानक व्यय भी आपके जीवन में काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी सिंह राशि वाले जातक प्रबल रूप से अपने जीवन का धन व्यय करने वाले हैं, संभल कर आपको चलना होगा। व्यापार वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफी संभल कर करें। उसके साथ साथ इस समयावधि में राहु की जो दृष्टियां हैं वो आपके धन भाव पर जाने वाली है, सेकंड हाउस पर जाने वाली है। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में थोड़ा सा यदि आप अपने अहंकार को और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने जीवन में परिवार में समन्वय बना पाएंगे, अन्यथा यहां पर पारिवारिक जीवन के ऊपर आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा शक्ति है वो काफी ज्यादा जाया होने वाली है, काफी खपत होने वाली है। नौवीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के फोर्थ हाउस पर जाने वाली है। ऐसे में बहुत सारे सिंह राशि वाले जातक पिछले समय से ही किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी चीज को यदि आप खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए आपका जो एफर्ट है वो बढ़ जाएगा। यानी किसी भी चीज को यदि आप लेना चाहते हैं उसके लिए जो तन्मयता होती है, जो मनोबल होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, उसमें अचानक बढ़ोतरी राहु के प्रभाव से यहां पर आपको मिलने वाली है। अब चूंकि अष्टम घर में विराजित हैं और शनि के नक्षत्र में विराजित हैं, ऐसे में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को ससुराल पक्ष से अपने संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए और सिंह राशि वाले जातकों को दाम्पत्य संबंधों में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप सिंह राशि वाले जातक हैं तो अपने पार्टनर के ऊपर हावी होने का प्रयास ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का पूर्ण रूपण प्रयास करते हैं तो समय आपके जीवन में बेहतर जाने वाला है। अन्यथा पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की यदि आप नेगेटिव स्थिति बनाते हैं या वाणी के द्वारा बनाते हैं उससे आपको ही नुकसान होने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से सिंह राशि वाले जातकों चूंकि अष्टम घर में ये विराजित हैं तो इस समयावधि में आपको घुटनों में दर्द रह सकता है और सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए गुप्तांगों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी आपको मिल सकती है। अब यहां पर कुछ उपाय आपको करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। सबसे पहले तो सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में
यदि आप राहु का दुष्प्रभाव समाप्त करना चाहते हैं तो दो खास बातों का ध्यान जरूर रखिए। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना को लेकर जीवन में चलने से बचने की आवश्यकता रहेगी। किसी प्रकार की एडिक्शन है, नशे की लत है, इससे आपका राहु और भी बर्बाद होगा। ऐसे में किसी प्रकार का यदि आप शराब, मांस, धूम्रपान ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जिससे आपको मानसिक विकृति हो रही है, क्योंकि जब हम नशा कर लेते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं, उससे आपकी बुद्धि और आपके मस्तिष्क का जो कंट्रोल है वो आपके शरीर से समाप्त होने लगता है। तो ऐसे में अगर राहु को अगर आप बढ़ावा देते हैं, ये खराब राहु का लक्षण है, नशे वगैरह की आदत जो होती है वो खराब राहु का लक्षण है, तो इससे आपके जीवन में देह वजह की समस्याएं निर्मित होगी। ऐसे में नशे से भी आपको दूरी रहना चाहिए। अब इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो इस समयावधि में रविवार के दिन आपको देखिए, यदि आप सरसों, मूली, कंबल, जौ, सूखा हुआ नारियल, इनमें से किसी भी चीज का दान जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर बनने वाली है। या इनमें से किसी भी चीज को लेकर यदि आप अपने शरीर से उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज उतार कर तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो भी आपके जीवन से जो नेगेटिविटी है पूर्ण रूपेण उसका जो प्रभाव है वो कम होने वाला है। राहु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, दूसरा उपाय है माता दुर्गा मानी जाती है। ऐसे में माता दुर्गा के सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जीवन में अच्छा लाभ आपको दे सकता है। तो अगर राहु की महादशा भी आपके जीवन में चल रही है तो ये उपाय आपको जीवन में करना चाहिए। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।